नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज का क्लास नंबर 5। ठीक है, क्लास 4 में जो हम लोगों ने बात किया था उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जितने भी बेस का क्वेश्चन था, यानी कि आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने कराया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो मैंने पेरीमीटर की बात बताया हुआ है, एरिया की बात बताया हुआ है और वॉल्यूम का, ये सारा टाइप हो चुका है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये है इस टाइप का क्वेश्चन कि टू नंबर्स आर, क्वेश्चन देखेंगे आप लिखा हुआ है कि टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, यानी कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, यहां पर लिखा हुआ है कि 25% तथा 20% क्या है, कम है। तो आपको बोल रहा है कि देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, तो पहली संख्या ठीक है दूसरी का कितना परसेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, मैंने एक बात सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था परसेंटेज की पहली वीडियो में कि जिस नंबर के साथ, मैंने ये बताया था कि जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा हो, है ना, ऑफ या टू लगा हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं का या से, तो मैंने बताया था उसे डेनोमिनेटर में रखा जाता है। उसे डेनोमिनेटर का मतलब हर नीचे रखा जाएगा, ठीक है, डेनोमिनेटर में रखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसेंटेज में, ये बहुत आपको हेल्प करेगा जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाते हो, तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखना। जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा होगा उसे डेनोमिनेटर में रखा जाएगा। इसमें भी वही ट्रिक चलेगा, क्योंकि बच्चों को यह समझ में नहीं आता है, जैसे यहां दिया है कि देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, अब ये बात समझ में नहीं आता है कि ऊपर किसको लें और नीचे किसको लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो हम तीन संख्या बनाएंगे ऐसे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर लेस देन, यानी कि ये दोनों कम है किससे, थर्ड से। इसका मतलब थर्ड को मानना पड़ेगा मुझे क्या, 100, ठीक है। पहली संख्या 25% कम है, 25% कम है मतलब 100 में से 25% कम हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 75, बात क्लियर है। एंड 20% रेस्पेक्टिवली, सेकेंड नंबर जो है वो 20% कम है, यानी कि 80 हो गया, ये यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, देन फर्स्ट नंबर, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, मैंने यही पॉइंट बताया है कि जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा होगा तो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, सेकेंड नंबर के साथ। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में कंपेयरिंग करना है, सेकंड नंबर नीचे आएगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट लिखाया है और पहले भी मैंने बता रखा है कि जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा हो उसे डेनोमिनेटर में रखा जाएगा, क्लियर है बात। इसका मतलब 75 आएगा ऊपर, 80 आएगा नीचे, इनटू हो गया 100, आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट होगा, 2 से हो गया कितना, 4, 2 से हो गया आपका 5, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25, 35 और 2 हो गया आपका 37, डिवाइडेड बाय हो गया 4, क्लियर। 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36, 1 आएगा कैरी, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 4 3 जा कितना, 12, फिर 3 आएगा, ठीक है, 4 7 जा, 4 5 जा, यानी कि 93.75% है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है रेस्पेक्टिवली, का मतलब ये होता है ये है पहली और ये है दूसरी क्रमशः, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये नहीं बोला है कितना परसेंट कम है, वो भी क्वेश्चन हो सकता है, जब कम या अधिक निकालने का प्रसंग आएगा। इसके लिए हमने बताया हुआ है आपको कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंट जब भी निकालना हो, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे उसमें हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो मैंने बताया था कि इंक्रीज डिक्रीज इनटू लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब इसमें ओरिजिनल में बहुत कंफ्यूजन होता है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, तो इसका जब आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीजिंग में ओरिजिनल क्या होता है और डिक्रीजिंग में ओरिजिनल क्या होता है, ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ ये था कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 75 80 का कितना परसेंट है, तो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, सेकंड नंबर के साथ, इसीलिए हमने सेकंड नंबर को कहां रखा, नीचे, पहली संख्या कहां है, ऊपर, इनटू 100, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 93.75%। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है,
बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट परसेंट नहीं निकालना है, इसमें दिया हुआ है कितना परसेंट कम या अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है कि द इनकम ऑफ टू सन्स आर लेस देन हिज फादर्स, एक फादर का दो सन है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट सन, यहां पर लिखेंगे सेकेंड सन और ये लिखेंगे फादर। क्लियर है बात? ओके, बोल रहा है कि इन दोनों सनों का जो इनकम है फादर से क्रमशः 30%, ओके 30% और 37% क्या है, कम है। क्लियर है? यानी कि फादर अगर 100 है तो बोल रहा है कि पहला सन जो है 30% कम है, दैट मीन्स कि 70 होगा, ठीक है। दूसरा सन जो है वो 37% कम है, तो 100 में से अगर आप 37 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब फादर को हमने माना 100, तो पहला सन जो हो गया 30% कम यानी कि 70 रुपए कमाएगा, दूसरा सन 37% कम है इसका मतलब है कि वो 63 रुपीज कमाएगा, है ना। अब यहां पर बिल्कुल चेंज है प्रीवियस क्वेश्चन से। अब ये जो लैंग्वेज बोल रहा है कि देन सेकंड सन्स इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन, देखो सेकंड सन्स इनकम यानी इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट सन, यानी कि दूसरा वाला जो पुत्र है वो पहले वाले से कितना प्रतिशत कम है। ये सिंपली बोल रहा है कि देखो एक होता है कि सिर्फ कितना प्रतिशत है, दूसरा होता है कितना प्रतिशत कम है, तीसरा होता है कितना प्रतिशत अधिक है। ये तीन क्वेश्चन मात्र इसमें बनता है। तो जब प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करवाया था उसमें डायरेक्ट परसेंटेज निकालना था, अभी क्या बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, लेस प्रतिशत निकालना है ना। तो लेस प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा पता है, लेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब मैं आपको यही बात पीछे बता रहा था कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लियर? तो जब भी आपको, मैं यहां पे ट्रिक बना देता हूं, जब भी आपको लेस परसेंट निकालना हो तो जितना इंक्रीज डिक्रीज होगा वो तो आएगा ऊपर, इंटू हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू नीचे आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू नीचे आएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है? अगर आपको इंक्रीजिंग परसेंट निकालना हो, इंक्रीजिंग परसेंट निकालना हो तो कितना बढ़ा वो लिखना है, इंटू लिखोगे आप 100 और नीचे क्या लिखोगे, स्मॉलर वैल्यू, बस हो गया। ये दो ट्रिक मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है और आज फिर मैंने क्लियर कर दिया, क्या कि अगर आपको डिक्रीजिंग परसेंट निकालना हो तो ग्रेटर वैल्यू नीचे देना है, अगर आपको इंक्रीजिंग परसेंट निकालना हो तो स्मॉलर वैल्यू नीचे देना है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति का इनकम 60,000 से बढ़कर, आपसे कोई पूछता है कि 60,000 से बढ़कर 80,000 हो गया है ना, तो इसका मतलब बढ़ा है, तो आपको यह पूछेगा कि वो कितना प्रतिशत से बढ़ा है, कितना बढ़ा है वो नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, फाइंड द इंक्रीमेंट परसेंट इन हिज सैलरी, तो कितना बढ़ा, तो आप लिखोगे 20,000, बात क्लियर, इंटू 100, देखिए कितना बढ़ा तो इंक्रीजिंग लिख दिया, इंटू हो गया 100 डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू। अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो होगा ये कंफर्म है, कौन होगा, 60,000, यहां पे 60,000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 20,000 से तीन बार में ये कटेगा, 33 से ही 1/3% से क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये उन बच्चों के लिए हमने ये ट्रिक बनाया, ये उन बच्चों के लिए ट्रिक बनाया है जिसको ओरिजिनल वैल्यू में डाउट होता है। क्लियर? बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, इंक्रीज डिक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक मूल्य। ओके, तो आइए कितने से डिक्रीज है, ये 7 डिक्रीज है तो 7 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, डिक्रीजिंग में कौन होगा, ग्रेटर वैल्यू। अगर हम इसे कंपेयरिंग करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा कौन होगा, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर इन दोनों में कौन है, 70, है ना, सही बात, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा, यानी कि 10% की कमी हो जाएगी, यानी कि सेकेंड वाला जो सन है वो पहले वाले से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपको फॉर्मूला बकायदा क्लियर कर दिया है कि अगर डिक्रीजिंग निकालना हो तो बड़े वाले वैल्यू को नीचे रख दो, वही इसका ओरिजिनल होगा, अगर आपको इंक्रीजिंग निकालना हो तो स्मॉलर वैल्यू को आप नीचे रख दो, वो आपका ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मात्र दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइप को कर रहे हैं चेंज। एक क्वेश्चन और आपको अलग से दिखाता हूं कि इससे बिल्कुल हट के क्वेश्चन है। ओके, आपके सामने थर्ड क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसके बेस पे फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बैट्समैन स्कोर 110 रन, यानी कि एक बल्लेबाज जो है 110 रन बनाता है। अब देखिए
ये टोटल कितना रन बनाता है, ये 110 रन बनाता है। सबसे पहली बात तो ये हम यहां पे लिखेंगे 110 रन, क्लियर। अब इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है ये मुझे पहले देखना पड़ेगा। बोल रहा है व्हिच इंक्लूडेड थ्री बाउंड्रीज, बाउंड्री का मतलब आप समझ रहे होंगे, बाउंड्रीज का मतलब हो गया चौका लगाता है, यानी कि तीन चौके शामिल है इसमें, इस 110 रन में से तीन चौके लगाता है, क्लियर है। तो तीन चौके लगाता है इसका मतलब 3 × क्या हो जाएगा 4, 12 रन वो चौके लगाता है, बाउंड्री लगाता है, एंड 8 सिक्सेस और 8 जो है वो छक्के मारते हैं, है ना। यानी कि सिक्सेस का मतलब हो गया कि प्लस 8 × 6, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर कोई बल्लेबाज खेलता है और वो सिर्फ चौका और छक्का मारता है, उसके अलावा जो रन बनता है वो क्या होता है, दौड़ के बनाएगा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्लियर बात। क्योंकि तीन टाइप का रन होता है, या तो चौके मारेंगे या छक्के मारेंगे या दौड़ के बनाएंगे, तीन हो गया, जिसमें से दो हमारे पास आ चुका है। क्या कि एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें तीन बाउंड्रीज शामिल है, ओके, और 8 सिक्सेस शामिल है। यानी अगर आपको ये देखा जाए तो 110 में से जो है उसने 12 और प्लस ये हो गया आपका कितना 8 × 6 = 48, है ना। यानी 110 में से हम ये देखें तो 60 रन जो है उसने सिर्फ चौके छक्के मार के बना दिया, तो मेरे पास बचा कितना रन, 50 रन। यहां तो समझ आ गया होगा आपको, ये 50 रन जो है रनिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स होगा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स होगा, क्या सही बात है ये। यानी कि 110 में से सिर्फ 50 रन उसने जो है वो दौड़ के बनाया है। अब यही तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी कि ये जो 50 रन जो उसने बनाया है दौड़ के, ये कुल रनों का कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, देयरफॉर 50 डिवाइडेड बाय कितने में से 110 में से इनटू क्या 100, बस हो गया। ये जो आ गया ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स का क्या आ गया, परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर कंफर्म है। अच्छा, ये इससे कट जाएगा, 500 बटे में कितना हो गया 11 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11 × 4 जो हो जाएगा कितना 44, 6 बचेगा 11 × 5 = 55, 5 बचेगा कैरी 5/11, यानी कि 45 से ही 5/11 प्रतिशत जो रन है, परसेंटेज में बात करें तो, अगर रनों की बात करें तो वह है 50, अगर रनों की बात करते हैं तो मेरे पास कितना आ गया था 50, अगर परसेंटेज की बात करते हैं कि कितने परसेंट रन उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स यानी दौड़ के बनाया है, तो 45 से ही 5/11%, जो कि आपका आंसर नंबर कौन सा है, बी, क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, टोटल 100 रन मेरे पास था, 110 रन जिसमें से तीन बाउंड्रीज था मतलब कि 3 × 4 था, ठीक है, 8 सिक्सेस था मींस कि 8 × 6 हो गया, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 60 रन उसने क्या किया, चौके और छक्के मार के बना दिया। बचा मेरे पास कितने रन, 50 रन, जो वो क्या करेगा, दौड़ के बनाएगा। अब ये 50 जो है ये 110 का कितना परसेंट है, यही पूछा था वो, 50 / 110 × 100, ओके। ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि अगर डिक्रीजिंग का निकालना हो तो बड़ा वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा परसेंटेज, अगर इंक्रीजिंग का परसेंट निकालना हो तो स्मॉल वैल्यू नीचे आ जाएगा। अब इसके बेस्ट पे आपको मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ चुका है, डीएसएसबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने क्वेश्चन हमने लिखा है 4, अच्छा इससे दो क्वेश्चन बनेगा, आप उसको अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है। DSSB के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज का यही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एक्स इज 20% लेस देन वाई, यदि एक्स वाई से 20% कम है। इसका दो तरीका है बनाने का, सबसे सबका तरीका जो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पे बनाते हैं वो सबसे इजीली बनता है, और रेशियो प्रोपोर्शन आपको पता भी है, इसीलिए इसको रेशियो प्रोपोर्शन में बनाएंगे तो फास्ट बनेगा, क्लियर है। तो हम ये क्या करेंगे, यहां पर एक्स लिखेंगे और यहां पर वाई लिखेंगे। ये बोल रहा है कि इफ एक्स इज, यानी कि एक्स है, देखिए ये वाला है क्या 20% कम है, किससे, y से, जिससे कंपेयरिंग करने के लिए कहा जाता है उसको आप 100 मान लो, है ना। यानी कि y को लेंगे 100 तो x हो जाएगा मेरा 80, ये तो बात क्लियर हो गया होगा। 20% कम का मतलब 80, ये हमने बहुत बार बताया हुआ है कि अगर 20% मोर की बात किया जाता है तो आप लिखो 120, 20% लेस की बात किया जाता है तो आप लिखोगे 80,
अगर 10% मोर की बात करेंगे तो कितना लिखा जाएगा 110, ठीक है। अगर 10% लेस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 90। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि अभी परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट लॉस आएगा, एसआई आएगा, सीआई आएगा, तो सब में ये चीज जरूरी है समझना। लेस का मतलब 100 में से कम करना, मोर का मतलब 100 में जोड़ना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो ये हमने पॉइंट एक क्लियर किया है, इसको ध्यान से अपना देखना है। 20% लेस बोला तो हमने ले लिया 80। अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान से समझिए कि देन वाई इज, अब सीधी सी बात है, वाई 100 है, एक्स है 80, तो अगर आप देखोगे तो वाई अधिक है, तो कितना अधिक है, ठीक है। देन वाई इज हाउ मच परसेंट मोर देन एक्स। देखो मोर परसेंट निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अधिक परसेंट निकालना हो, है ना, प्रीवियस में जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने वहां बताया था कि अधिक परसेंट निकालने के लिए जितना अधिक है वो इनटू में 100 डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू नीचे आता है। क्लियर है, अगर आपको लेस परसेंट निकालना है तो ग्रेटर वैल्यू नीचे आता है। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, आपको इस फॉर्मूला को याद करना है। ओरिजिनल वैल्यू याद कर लो, ओरिजिनल वैल्यू बच्चों को होता है कंफ्यूजन, इसीलिए ओरिजिनल वैल्यू को हमने क्या किया, ट्रिक बना दिया कि अगर आपको ग्रेटेस्ट परसेंट निकालना हो तो आप क्या करो, स्मॉलर वैल्यू को नीचे रखो, अगर आपको लेस परसेंट निकालना हो तो ग्रेटर वैल्यू को नीचे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कितना अधिक है ये, तो 20 अधिक है, तो 20 गुने में हो गया 100 डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 80। इसको इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, चार बार में कटेगा, है ना, ये इसे कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, यानी कि 25% अधिक है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर इसी में हम चाहें कि इसको और शॉर्टकट करने के लिए, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ 1% दिया हो तो आप डायरेक्ट इसको एक लाइन में बना सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, 20% लेस बोल रहा है ना, 20% क्या बोल रहा है, लेस, तो आप लिखो 20, जितना परसेंट बोल रहा है वो लिख लो। लेस बोल रहा है तो आप लिख लो 80, क्योंकि मैंने बताया हुआ है लेस का मतलब 80। अगर मान लो मुझे बोलता 10% मोर, तो हम क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 110। क्लियर है, परसेंटेज ऊपर रहेगा, 100 में से 100 मतलब 100 में से कम और ज्यादा करके नीचे रहेगा, इनटू मार्क लगा दो 100। तो ये एक लाइन में हम पहुंच जाएंगे लास्ट स्टेप में, जो हमने यहां पर इतने मेहनत किया है। क्लियर है, ये सीधे आ जाएगा आंसर, 4 से कटेगा, ये आ गया 25%। मतलब कभी भी देखो, दो तीन तरीका होता है बनाने का, लेकिन बच्चों को हम यही बोलते हैं कि कम टाइम किस में लगेगा, आपको वो चीज को फॉलो करना है। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ 1% दिया हो क्वेश्चन में, तो आप उसके आगे पीछे देखो क्या लगा हुआ है, लेस है या मोर है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन बनाया, ये समझ में आ गया आपको, इसको मैं मिटा रहा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, यही पे सेम लगा देगा क्वेश्चन की, इफ एक्स इज है ना 30% मोर देन वाई, एक दूसरा क्वेश्चन मैं बना देता हूं ताकि आपको लेस का तो हो गया, अगर मोर का पूछेगा तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मोर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन ही बना देता हूं, ये टाइम ही, यानी कि पांचवा क्वेश्चन आप ये समझ लो, है ना। इफ एक्स इज 30% मोर देन वाई, देन वाई इज हाउ मच परसेंट लेस देन एक्स। सीधी सी बात है, अगर वो बोल रहा है मोर तो यहां पे पूछेगा लेस, अगर वो देगा वहां पर लेस तो पूछेगा मोर, ये दो क्वेश्चन बनता ही है इसमें। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी ट्रिक को बना सकते हैं इसको। ये देखो, यही बोल रहा है कि एक्स इज 30% मोर देन वाई, एक्स वाई से 30% अधिक है, सीधी सी बात है, अगर एक्स अधिक है तो वाई कम होगा। अब वही पूछ रहा है कि देन वाई इज हाउ मच परसेंट लेस देन किससे, एक्स से। तो आपको क्या बताया, जो भी परसेंट दिया है उसको रख दो ऊपर 30, इससे एक लाइन मार्क्स आ जाता है। मोर बोल रहा है तो 130 × 100, यानी कि इसका कोई अगर ट्रिक बनाना चाहता है तो बना सकता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 ± % × 100, ये बन गया मेरा ट्रिक। प्लस माइनस क्यों लिए है, अगर इंक्रीज बोलेगा तो प्लस करोगे, इस क्वेश्चन में डिक्रीज था तो हमने 80 ले लिया था। बात समझ में आ गया होगा आपको, बस ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप याद कर लो, ये इससे कट गया 300 डिवाइडेड बाय 13%, और जो भी आएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है,
तो ये हो गया मोर और लेस, यानी कि मोर और लेस का परसेंट जब भी निकालना होगा तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि अगर लेस परसेंट निकालना हो, क्लियर, लेस परसेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सुनिए, लेस परसेंट निकालना होता है तो बड़े वाले वैल्यू को नीचे रखा जाता है, अगर मोर परसेंट निकालना होता है तो स्मॉलर वैल्यू नीचे रखा जाता है डिनोमिनेटर में, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर खूब करें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।